यूज करते हैं हम लोग को समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया वो लोग यूज करते हैं जो कि अपनी सोसाइटी में भी जनरली थॉट लीडर्स होते हैं और जिनकी बात उनकी सोसाइटी में आसपास के लोगों में वो 50 लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फाइनेंशियली कास्ट वाइज सोशली वो ज्यादा रेलेवेंट लोग होते हैं, ठीक है। परंतु एक बात मैं इसमें और कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का जो पर्पस है वो स्पेशली इन द केस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तरीके से यूज किया जा रहा है। तो जो बात संजय सर कह रहे थे उस बात में जस्ट एक ऐड कर रहा हूं पॉइंट कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोर्ट के जो जज है वो इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि उनका परिवार सोशल मीडिया पे है, उन कई सारे जजेस की वाइव्स या फिर फीमेल जजेस के केसेस में उनके हस्बैंड सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, घर पे जब वो शाम में आते हैं जो बात संजय सर भी कह रहे थे खाने के टेबल पे डिस्कशन का मुद्दा तो बनता ही बनता है कि अच्छा तुमने ये कहा तो उसका ये आया, मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे किसी ने ये कहा उसके पास फेसबुक पे ये आया। ये बातें किसी भी सामान्य व्यक्ति के किसी भी आम इंसान के मस्तिष्क पर असर डालेंगी, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो चल रहा है। आपने कहा साइकोलॉजिकल वॉर, बिनु जी इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स क्या है? ये जो हमने तो इसके सोशल मीडिया टेक्निकलिटीज के बारे में बातचीत कर ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट करने के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? क्या चंद्रचूड़ के बारे में जो ये कहा जाता कि भाई बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी है, सरकार के दबाव में नहीं आते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, या जनरली एक एक, एक, एक लुम्पन लोग हैं जो इस तरीके से करते रहते हैं और उसको बहुत कॉग्निजेंस नहीं ले रहे, आपकी नजर में पॉलिटिक्स क्या है? देखिए आशुतोष जी, जिस देश में दरोगा के खिलाफ बोलने की हिम्मत लोग कम जुटा पाते हो, वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इस तरह की भाषा लिखना ये बिना किसी संरक्षण के संभव नहीं है। एक जरा सा ट्वीट आप अपने इलाके के किसी नेता के खिलाफ कर दीजिए तो अगले दिन जो है आपके दरवाजे पे पुलिस पहुंच जाएगी। इतनी रोज घटनाएं सुनने में आती है कि किसी ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक टिप्पणी फेसबुक पर कर दी तो गिरफ्तार हो गया, कोई जो है किसी ने किसी फिल्म स्टार के खिलाफ कर दी उस पर घर पहुंच गई पुलिस। जिग्नेश मेवानी ने तो एक अपील एक ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री जी गुजरात आ रहे हैं वो अपील करेंगे, कि हमें उम्मीद है कि अपील करेंगे कि ये जो है लोग इस तरह की हरकतें ना करें, जो उस वक्त वहां घटनाएं हो रही थी उसी पर आसाम में मुकदमा हो गया था और उसके बाद उनको जो है जहां आसाम पुलिस ले गई थी। और चीफ जस्टिस लगता है जब मैं विनोद जी से संपर्क हमारा पूरी तरीके से टूट गया। विनोद जी दरअसल इस ओर इशारा कर रहे थे कि किस तरीके से सरकारों के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ अगर आप कोई ट्वीट करते, सोशल मीडिया पे कोई चीज लिखते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उस पर आपको जेल जाने की भी नौबत आ सकती है, उसकी एजेंसीज को लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए जी, एजेंसी उनको लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, और इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ अगर इस तरह की हरकतें की जा रही है, देखिए राइट टू स्पीच तो है बट राइट टू अब्यूज थोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हेगड़े साहब ने सही कहा कि भाई किसी फैसले पर आप तार्किक टिप्पणी कर सकते हैं, आपको वो फैसला ठीक नहीं लगा तो आप ये लिख सकते हैं कि किन किन कारणों से ठीक नहीं लगा, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि गाली गलौज की भाषा में आप उस फैसले का विरोध करना शुरू कर दें, ये नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इतना ऐसा नहीं है कि अचानक कोई लुम्पन आदमी खड़ा हो गया उसने कर दिया, ये सब पूरा जो है एक संगठित तरीके से इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए दरअसल दिक्कत क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन चाहे सत्ता के साथ जरा सा भी असहमति अगर जाहिर करे तो उसके खिलाफ ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है, उसके खिलाफ तमाम तरह की चीजें शुरू हो जाती है। आप याद कीजिए एक चुनाव आयुक्त थे लवासा साहब ने थोड़ा सा एक दो मामलों में डिसेंट अपना शो किया, उसके बाद उनकी पत्नी क्या इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, उसके खिलाफ जो हो गया आखिरकार लवासा साहब जो है वो इस्तीफा दे करके विदेश चले गए किसी पोस्ट, तो वो भी हुआ है। अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट तो बहुत महत्वपूर्ण मामलों में कई फैसले देने आने वाले जी, एक राहुल गांधी का मामला तो है ही, इसके अलावा 370 का है और भी कई मामले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को फैसले देने हैं। इस तरह की पूरी जो एक मुहिम चला करके एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश, जैसा कि अभी संजय जी कह रहे थे भाई टॉकिंग पॉइंट हो जाता है तो कुछ लोगों को लगता है यार अब ये जो है भले वो
दबाव में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मस्तिष्क असर तो पड़ता ही है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट कर दीजिए। जब आप इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट कर देंगे तो एक कॉमन मैन जो है, सामान्य व्यक्ति जो है, वो भी कहेगा अरे यार ये सुप्रीम कोर्ट का ये कैसे हो गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यानी आप ये साबित कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने सीमाएं मर्यादाएं पार करके और किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रहा है। जब आप ये इस तरह की एक छवि बना दीजिए तो उसके फैसले का असर भी खत्म हो जाता है। ये भी एक पूरी एक साजिश होती है।